वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह, आज आपको बताऊंगा नॉकआउट बाई एनसीडी प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर। पहले हम जान लेते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन हम पहले जानना जरूरी है कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है। तो मैं ओरली आपको बता दे रहा हूं, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड आर बेस्ड ऑन दिस टाइप। मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट इसी बेस में खेले जाते हैं। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट एनी टीम विच लूजेस आउट ऑफ एन ओपोनेंट इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। अगर कोई टीम हारती है तो वो सीधे बाहर हो जाती है। हेंस द डिफीटेड टीम डज नॉट गेट अ सेकेंड चांस टू कंप्लीट इन द टूर्नामेंट। ओनली द विनिंग टीम कंटिन्यू टू कम्पीट एंड गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कम्पिटिशन। मतलब सीधी सी बात है कि जो टीम हारती है वो बाहर चली जाती है और जो जीतती है वो आगे के मैचेस खेलती है। अब है एसेंशियल पॉइंट फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। पहला क्या है, टू प्रिपेयर द फिक्चर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इज रियली वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी टेकन इन टू consideration while preparing fixture। पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इन द कॉम्पिटिशन। कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं कॉम्पिटिशन में। सेकेंड पॉइंट है, नंबर ऑफ टीम टू बी पुट इन ईच क्वार्टर। सबको अलग अलग क्वार्टर में पुट करना है। तीसरा है, नंबर ऑफ बाई टू बी गिवेन इन ईच क्वार्टर ऑफ ईच हाफ। हर क्वार्टर में ईच हाफ में करना। चौथा, टोटल नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड होते हैं टोटल नंबर। फिफ्थ है, नंबर ऑफ टीम टू बी पुट इन ईच हाफ। सारी टीमें को ईच हाफ में डिवाइड करना है। अब है एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ये भी मैंने पहले बता दिया है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं। एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, द नॉकआउट टूर्नामेंट इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज द टीम विच गेट डिफीटेड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। इस टूर्नामेंट में पैसे कम लगते हैं क्योंकि जो टीम हारती है वो सीधे बाहर चली जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, द नॉकआउट टूर्नामेंट इज हेल्पफुल इन इनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट बिकॉज ईच टीम ट्राई टू प्रेजेंट द बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड द डिफीट। मतलब हर टीमें अपना बेस्ट देती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो हार जाएंगे, इसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। इस वजह से कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होता है। अब थर्ड पॉइंट है, ओनिंग टू लेस नंबर ऑफ मैच इफ इट रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। देखो मैच कम होते हैं, इस वजह से क्या आता है, टाइम कम लगता है टूर्नामेंट कंप्लीट करने में। चौथा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। डिसएडवांटेज क्या है, देयर मे बी मैनी चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड, सो गुड टीम मे नॉट रीच इन टू द फाइनल राउंड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो अच्छी टीमें हो जाती हैं वो बाई चांस हार जाती हैं, इस वजह से जो फाइनल मैच होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते, मतलब अच्छी टीम से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है, देयर आर मैक्सिमम चांस ऑफ वीक टीम टू इंटर इन टू द फाइनल राउंड। मतलब फाइनल में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वीक टीम को पहुंचने में। स्पेक्टर्स में नॉट हैव इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल राउंड्स। मतलब जो जनता आती है उसे जब फाइनल मैच में कोई वीक टीम पहुंचती है तो उसे देखने में मजा नहीं आता है। अब हम बात करेंगे मेन चीज का, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बताया है। अब अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसे, ए नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम। फॉर एग्जांपल, इफ 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ टोटल मैचेस विल बी 8-7। मतलब जो टीमें होती हैं टोटल नंबर ऑफ जितनी टीमें होती हैं उनको 1 से माइनस कर दिया जाता है, तो 8-7 आ गया। इट मींस देयर विल बी ओनली 7 मैचेस इन द टूर्नामेंट। तो क्या होगा, इसमें 7 मैचेस सिर्फ होंगे। ठीक है,
these team, 8 teams should be divided into 2 halls. मतलब इनको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा. It is possible only if the total number of team is power of 2. मतलब इनकी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होते हैं. Such as 2, 4, 8, 16, 32, etc. It is very easy to draw the fixture in such cases. The total number of teams is divided into 2 halls and then matches are decided by draw allots. जब ये बन जाते हैं तो इनको 2 halls में divide करने के बाद हम match को decide करते हैं. लेकिन अगर उसकी power 2 ना आए तो क्या होगा? जैसे कि power 2 ना आए तो जैसे such as 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया. अगर ये आ जाते तो क्या होता है? Then byes are given. The team which are given byes do not play in first round. मतलब तब ये क्या होंगे? First round में नहीं खेल पाएंगे. Byes are given in the first round by which the number of team playing in later round is reduced to a power of 2. मतलब ये जो ये टीमें होंगी ये किस में खेलेंगी? सेकेंड राउंड में खेलेंगी. इन फैक्ट आप बाई रिफर टू अ डमी टीम दैट डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड बट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड, जो कि पहले मैच में नहीं, पहले राउंड में नहीं खेलेंगी और वो सेकेंड राउंड में खेलेंगे. द नंबर ऑफ बाइस इन द फिक्चर इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर विच इज अ पावर ऑफ 2. जिनका पावर लेक्स उसमें नेक्स्ट नंबर में 2 के इक्वल हो गए उनसे मैच होंगे. अब हम बात करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ. अब हम बात करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ. इफ द नंबर ऑफ टीम इज इन द पावर ऑफ 2, इट बिकम इजी टू डिवाइड इनटू 2 होल्स. मतलब अगर किसी की पावर 2 आती है टीम की तो उनका फीचर बनाना आसान होगा. बट अगर उसकी पावर 2 नहीं आती तब हम क्या करते हैं? अपर हाफ जो होता है, अपर हाफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2. मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? इट मींस एन प्लस 1/2, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टीम. एन किसे रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट करता है. मतलब जितनी टीमें होंगी उसको हम प्लस 1 से अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे. अब लोअर हाफ क्या है? लोअर हाफ जो उसके नीचे हम लोग उसका जब डिवाइड करेंगे, अभी मैं बनाऊंगा तो देखिएगा टोटल हाफ. अब लोअर हाफ की बात करते हैं. लोअर हाफ में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1/2. इट मींस एन माइनस 1/2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टीम्स. अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फिक्सिंग बाइस. अब मैं बात करता हूं मेथड ऑफ फिक्सिंग बाई, कैसे हम लोग बनाएंगे. तो पहले आप ये सब राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे फिगर को. तो पहले बता होना चाहिए कैसे बनाएंगे, तो इसलिए आप एक पेपर में राइट डाउन कर लीजिएगा. जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ टीम इन केस ऑफ 11 टीम, कि अगर 11 टीम है तो कैसे हम बनाएंगे. देन द टोटल नंबर ऑफ टीम इज डिवाइडेड इंटू 2 हाउस. After that, the buys are fixed in upper and lower halls in the following order. Pehla point hai, the first buy is given to the last team of lower half. Jab main figure aapka banaunga to aapko samajh mein aa jayega. Pehle agar round down kar lijiye. Second point hai, the second buy is given to the first team of upper half. Third hai, the third buy is given to the first team of lower half. Fourth है, the fourth
bye is given to the last team of upper half. Fifth है, the next bye or byes will be given in same order. अब हम बनाते हैं फिगर को. अब ये देखिए मेथड है कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं. देखिए मैंने क्या कहा था, 11 टीम है, ठीक है. तो 11 टीम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ टीम प्लस 1 अपॉन 2. तो 11 प्लस 1 मतलब 12 हुआ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 टीमों पर. 11 माइनस 1 करेंगे 10 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 5 टीम. तो ये अपर हाफ हो गया या लोअर हाफ हो गया. अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, मैंने पॉइंट क्या लिखा था, द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, मतलब ये लास्ट टीम कौन सी है, बाय फर्स्ट. अब हमने एक सेकंड पॉइंट लिखा था, द सेकंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सेकंड टीम में क्या होगा, सबसे अपर हाफ में जाएगा. अब मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, द थर्ड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, मतलब जो फर्स्ट टीम है इसमें फर्स्ट टीम कौन सी है, लोअर हाफ में, सेवेंथ है. तो ये कौन सी हो जाएगी, बाय थर्ड. अब मैंने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा था, फोर्थ बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, मतलब अपर हाफ. अब ये बन गया, अब इसको हमको ड्रॉ करना है. तो देखिए बाय सेकंड है तो इसको हम ले नहीं सकते हैं, इसको हम लोग कौन से राउंड में लेंगे, सेकंड राउंड में. अभी हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं. पहले टू से थ्री बना, तो टू से थ्री में कौन जीता, सेकंड जीता. फोर से फाइव में कौन जीता, फोर्थ जीता. सेवन से एट में कौन जीता, एट जीता. उसके बाद बाय टेंथ और इलेवन में कौन जीता, टेन जीता. इसमें टू जीता, फोर जीता, एट जीता, टेन जीता. अब सेकंड राउंड की बात करते हैं, सेकंड राउंड में वन से और सेकंड से मैच हुआ, तो कौन जीता, वन जीता. फोर ओ हाँ फोर से और ये सिक्स से हुआ, तो कौन जीता, सिक्स जीता. सेवन से एट से हुआ मैच, तो कौन जीता, सेवन जीता. उसके बाद हम थर्ड राउंड की बात करते हैं, थर्ड राउंड में कौन जीता, फर्स्ट और सिक्स से कौन जीता, सिक्स जीता. सेवन और टेन से कौन जीता, सेवन जीता. अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की, फोर्थ राउंड में कौन जीता, सिक्स से सेवन्थ हुआ, तो कौन बना, सिक्स. मतलब कौन सा विनर है, सिक्स है. इसी तरह हमें क्या है, बाईस को बनाना है. ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, इसको रख डाउन कर लीजिए. अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर. इफ द नंबर ऑफ टीम इज लेस देन द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ. अगर टीमें कम हैं तो क्या है, हम अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ टीम इज मोर, teams are divided into upper half and lower half and these halves are divided into two parts, it means that the upper half has two quarter, first and second, and the lower half has second and third and fourth quarter. For determining in the number of teams in each quarter, the total number of team is divided by 4. किसे डिवाइड किया जाएगा, चार, चार उसमें डिवाइड किया जाएगा. इफ द रिमाइंडर रिमेन्स जीरो देयर विल बी अ फोर क्वार्टर विद इक्वल नंबर ऑफ टीम्स. इफ द रिमाइंडर रिमेन्स द फॉलोइंग मेथड विल बी अप्लाइड. अगर फर्स्ट क्वार्टर है तो उसमें क्या है, क्यू क्यू प्लस वन क्यू प्लस वन क्यू प्लस वन अपॉन क्यू. अगर सेकेंड क्वार्टर में क्यू 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 प्लस वन क्यू. थर्ड क्वार्टर में क्यू 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 प्लस वन क्यू प्लस वन क्यू. फोर्थ क्वार्टर में क्यू 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 क्यू. अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसका पूरा फिगर बनाता हूं, तो आप देखिएगा. अब देखो इसमें जैसे कि 19 टीमें बनी हैं, तो 19 टीमें हमने क्या किया है, पहले वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. तो 19 प्लस 1 किया तो क्या 20 आया, तो 20 आया मतलब 10 आया हाफ में. फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 को भी प्लस 1 से किया तो उसका 5 आया. इधर भी किया हमने सेम प्रोसीजर से, एक में 15 पे आया, एक पर 5 में आया, एक पर 10 पे आया. अब इसको फर्स्ट क्वार्टर कर दिया, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है. तो मैंने आपको लिखाया था कि लास्ट का पॉइंट्स मैंने लिखाया था कि द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ. तो इस टीम का लोअर हाफ क्या है, ये है ना, लोअर हाफ क्या है, टेंथ बाई, मतलब कि लोअर हाफ इसमें कौन सा है, बाई नंबर वन. और इसका द सेकेंड बाई का अपर हाफ क्या है, बाई टू. फिर उसके बाद हमने कहा द थर्ड बाई इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ. तो इसमें फर्स्ट टीम में कौन सा है, सेकेंड. और उसके बाद हमने क्या किया, द थर्ड बाई इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ. तो इसमें
लोअर हाफ में कौन सा सिस्टम है, ये है, तो सिक्स्थ क्या है, बाई थर्ड है। इसी तरह सेम प्रोसीजर से नीचे हमने लिख दिया है, इसमें क्या है, अपर हाफ बाई टू, अपर हाफ बाई सिक्स, अपर हाफ बाई फोर, अपर हाफ बाई थ्री, अपर हाफ बाई फाइव, अपर हाफ बाई वन, लोअर हाफ बाई टू, लोअर हाफ बाई सिक्स, लोअर हाफ बाई फोर, लोअर हाफ थ्री, लोअर हाफ सेवन, लोअर हाफ फाइव और लोअर हाफ वन। ये सब हमने प्रोसीजर लिखवा दिया पहले में, ठीक है। अब उसके बाद हमको बनाना है, तो पहला थर्ड फर्स्ट राउंड, ये देखिए ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकेंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, ये फोर्थ राउंड है, और ये क्या है, फिफ्थ राउंड। इसमें कितने राउंड है, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, फाइव राउंड्स हैं। तो पहला थर्ड और फोर्थ में क्या था, फोर्थ विनर आया, सेवंथ और एट्थ में क्या, सेवंथ विनर आया, फिर थर्टीन और फोर्टीन में क्या, फोर्टीन्थ आया, उसके बाद हमने टू और सिक्स में क्या, वन आया, फिर फोर में और फाइव में क्या, तो फोर आया, थर्ड और सेवंथ में किया तो कौन से, मतलब सिक्स और सेवंथ में किया तो कौन सा आया, सिक्स आया, नाइन्थ और टेंथ में क्या किया, नाइन्थ आया। उसका सेम प्रोसीजर से हमने किया, तो इसका विनर कौन निकला, फर्स्ट विनर निकला। अब इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करें कॉन्जोलेशन टूर्नामेंट के बारे में, कॉन्जोलेशन टूर्नामेंट है क्या, इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम Once defeated is eliminated or it can be said that such team does not get second opportunity to play after losing a match. मतलब knockout tournament में क्या, अगर एक बार हार जाते हो तो बाहर हो जाते हो। In knockout tournament a good team can be eliminated if by chance it play with another good team in the first round. कभी कभी ऐसा होता है कि दो अच्छी टीमें आपस में लड़ती तो एक टीम बाहर हो जाती है। It may be a setback to that team. Therefore, consolation tournament is organized in consolation tournament. One addition chance to give to the defeat team. इसमें क्या होता है? एक और opportunity दी जाती है जो team हार जाती है. In this tournament, the winner is declared from the defeat team. The consolation tournament is two types. पहला है first type और second type. हम पहले बात करते हैं first type की. In this type of consolation tournament, each team get two opportunity to play a match. सब टीम को क्या, दो चांस मिलते हैं। The team which are defeated in first round of the first match get the opportunity to play in the first round. पहला हमने first round खेला है, ये क्या है, regular round है। तो ये first round है, ये second round है, ये third round है और ये fourth round है। इसमें क्या है, उसी तरह सेम तरह से 11 टीमें हैं, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, सेम प्रोसीजर है। इसमें हमने देखा ये, तो इसमें कौन सा विनर बना, सिक्स विनर। अब हम बात करते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट है क्या, इसमें से कौन सी टीम हारी है। तो इसमें कौन सी टीम हारी थी, पहले थर्ड टीम हारी थी, इसमें कौन सी हारी है, फिफ्थ टीम हारी है, इसमें कौन सी हारी है, नाइन्थ वाली हारी है, इसमें कौन सी हारी है, इलेवेंथ वाली हारी है। तो इन्हीं तीन पांच नौ और ग्यारह को हमने क्या ले लिया, कॉन्जोलेशन राउंड में ले लिया। इसमें चार टीम है तो डिवाइड किया दो से, तो तीन और पांच नौ ग्यारह, अपर हाफ लोअर हाफ। फर्स्ट राउंड में कौन सी टीम निकलती है, थर्ड निकलती है और नाइन्थ निकलती है, और सेकेंड राउंड में क्या होता है, मैच जीत जाते हैं। तो नाइन टीम कौन सी है, कॉन्जोलेशन विनर है, और इसमें सिक्स टीम में कौन सा विनर है, रेगुलर विनर है। अब हम सेकेंड टाइप की बात, हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप की। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट द टीम डिफीटेड इन ऑल राउंड्स आर गिवन एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। मतलब जो टीम हर राउंड में हारती है उसे भी पार्टिसिपेशन कॉम्पिटिशन में मिलता है। जैसे रेगुलर राउंड की बात कर रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट और सेकेंड का हुआ मैच, तो सेकेंड जीता, थर्ड और फोर्थ में फोर्थ जीता, फिफ्थ और सिक्स में फिफ्थ जीता, और सेवन्थ और एट्थ में एट्थ जीता, सेकेंड और फोर्थ में सेकेंड जीता और ट्वेल्थ फाइव जीता। इसमें कौन रेगुलर विनर बना, सेकेंड विनर। अब लूजर राउंड की बात करते हैं, जो हारी टीम, तो पहले में कौन सा हारी, पहली टीम हारी थी, फिर थर्ड वाली हारी थी, सेकेंड में कौन हारा था, सिक्स टीम हारी थी और सेवन टीम हारी थी, सेकेंड राउंड में कौन हारा था, फोर्थ हारा था और एट्थ टीम हारी थी, थर्ड राउंड में कौन सा हारी थी, फिफ्थ टीम। अब कॉन्जुलेशन राउंड में देखिए, फर्स्ट और थर्ड का बनाया हमने, फर्स्ट और थर्ड का बनाया, तो फर्स्ट और फोर्थ में कौन विनर निकला, फर्स्ट, सिक्स और सेवन, सिक्स और एट्थ में जब मैच खिलाया तो कौन सा बना, हारा, सिक्स।
तो सिक्स विनर बना। अब फर्स्ट और सिक्स की बात हमने कर ली, तो जब फर्स्ट और सिक्स में कौन सा विनर बना? फर्स्ट बना। फर्स्ट और सिक्स में कौन बना? फर्स्ट। तो ये कौन सा है? ये है कॉन्जुलेशन विनर, यही है विनर। तो हमने फर्स्ट टाइप जान लिया, अब सेकंड टाइप जानेंगे। अब सेकंड वीडियो में हम क्या देखेंगे? सीडिंग मेथड।